दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो। किसान ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। कई बैटरियों से लैस एक ड्रोन का उपयोग दिन में कम से कम 6 घंटे के लिए किया जा सकता है, जो लगभग 30 एकड़ खेत को कवर करता है। ड्रोन छिड़काव करते समय हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से किसानों को बचाता है और खेतों में सांप जैसे जहरीले जानवर के खतरे से भी राहत दिलाता है। ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र और ऊंची और घनी फसलें जहां पारंपरिक तरीकों से छिड़काव पूरी तरह संभव नहीं, वहां भी किसान ड्रोन बहुत उपयोगी है। स्प्रे के साथ साथ कृषि में ड्रोन द्वारा मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग और इमेजिंग से खेत में दिखाई देने वाले लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म भिन्नता, नमी की कमी, पौधों की वृद्धि, घनत्व, स्ट्रेस आदि का पता लगाया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी बल्कि समय की बचत भी होती है। ड्रोन एक मानव रहित विमान है, जो एक तरह से उड़ने वाला रोबोट है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी ये उड़ान भर सकता है। क्योंकि ड्रोन को चलाने के लिए विशेष स्किल सेट की जरूरत होती है, उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इससे संबंधित बहुत से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन के साथ। हम बताएंगे कि कृषि में किस तरीके से ड्रोन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे फसलों को नुकसान ना हो और कीटनाशक का बराबर मात्रा में पूरी फसल में एक साथ उनका छिड़काव किया जा सके। 25 किलो से छोटा ड्रोन कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव के लिए उत्तम माना गया है। बहुत ज्यादा उच्च क्षमता वाले ड्रोन भी इसके लिए कारगर नहीं है। फसल कैनेपी पर 1 से 3 मीटर की ऊंचाई से छिड़काव के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10 किलो पेलोड वाले किसान ड्रोन को उपयुक्त माना जाता है। किसान ड्रोन चलाने से पहले, उसके दौरान और बाद के विवरण और सावधानियां। ड्रोन उड़ाने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। ध्यान रखें कि आपका क्षेत्र ग्रीन जोन में है, जहां ड्रोन के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खेती में मौसम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मौसम का सीधा असर फसल पर पड़ता है। ठीक इसी तरह मौसम का असर ड्रोन पर भी पड़ सकता है। तो किस मौसम का ड्रोन की उड़ान पर क्या असर पड़ता है और किन खास हालातों से ड्रोन प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं मौसम के हिसाब से ड्रोन के संचालन से जुड़ी बातें। ड्रोन उड़ाने से पहले मौसम की स्थिति चेक करें, जैसे कि उपयुक्त हवा की गति, तापमान, नमी और आर्द्रता आदि सब सही हों। सुनिश्चित कर लें कि तापमान 4 से 50 डिग्री के बीच में है। तेज हवा चलने पर ड्रोन का टेक ऑफ, ड्रोन की उड़ान या ड्रोन की लैंडिंग के दौरान कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, जिससे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बारिश की वजह से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। तापमान में गिरावट होने पर ड्रोन की सीमा और उड़ान का समय कम हो सकता है। और कोहरे के मौसम में विजिबल डेटा जमा करने में ड्रोन के कैमरे की क्षमता कम हो सकती है। मौसम के अलावा पक्का कर लें कि ड्रोन अच्छी स्थिति में है और छिड़काव प्रणाली में कोई रिसाव नहीं है। ड्रोन के टेक ऑफ, लैंडिंग और टैंक मिक्स ऑपरेशन के लिए कोई एक जगह निर्धारित करें। फसल में कीट, बीमारी और खरपतवार के प्रकोप की सीमा जानने के लिए खेत का निरीक्षण करें। सुरक्षित संचालन के लिए क्षेत्र के चारों ओर बाधाओं की, जैसे दीवारों की, पेड़ों की जांच करें और उन्हें चिन्हित करें। आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उनके पास कीटनाशकों का छिड़काव न करें। डीजीसीए, सीआईबी और आरसी द्वारा निर्दिष्ट किए गए ड्रोन उपचार और गैर लक्षित फसल के बीच कम से कम 1 मीटर का बफर जोन सेट करें। ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद जानवरों और व्यक्तियों का एक खास समय के लिए ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश न हो। फसल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार रासायनिक छिड़काव की योजना बनाएं। आधुनिक खेती में ड्रोन के महत्व को
अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि ड्रोन उड़ाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं ड्रोन उड़ाने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ड्रोन सुरक्षित रहे और आप उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकें। सबसे पहले हम ड्रोन को ग्राउंड पर रखकर इसकी सारी आर्म्स अनफोल्ड करके स्ट्रेट कर लेते हैं और इसके स्प्रिंग लेचेस को हमने इनेक्ट कर लिया है और अब हमारा ड्रोन रेडी है। इसके बाद हमने पावर कनेक्शन किया है जिसके बाद हम इसमें कैलिब्रेशन करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ड्रोन के सभी आर्म्स में ग्रीन कलर की लाइट जल गई है, इनमें पावर आ रही है और इसमें आप एक बीप की साउंड सुन रहे होंगे जिसका मतलब है कि पूरे ड्रोन में पावर आनी शुरू हो गई है। और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि ड्रोन के इंटरनल सेटअप के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर जैसे ही 45 डिग्री होगा हम ड्रोन को कैलिब्रेट करेंगे। अभी हम समतल जमीन पर ड्रोन को कैलिब्रेट कर रहे हैं। ध्यान ये देना है कि जब आप मूव कर रहे हो तब आप बहुत ही धीरे धीरे मूव करें। ध्यान दें जब आप मूव कर रहे हो जर्क ना आने पाए। ध्यान से देखिए कि किस दिशा में, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी नोज अप और कभी नोज डाउन करना है। ड्रोन के साथ मिलने वाली मैनुअल में भी आपको इस प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और इसके साथ साथ GCS में भी नोटिफाई होता है कि आपको कब कौन सी कमांड लेनी है। ये देखिए GCS में एक आवाज आई, कंपास कैलिब्रेशन डन, यानी कैलिब्रेशन का काम पूरा हुआ। इसके बाद अब हम पावर सोर्स को रिबूट करेंगे। आपको ध्यान से देखना है कि ड्रोन आर्म्स बैंड की स्प्रिंग ठीक से लगी हुई है ताकि कहीं पर कोई गैप ना आ रहा हो। हमने एक लेवल ग्राउंड चेक किया है ताकि दोनों लेग्स प्रॉपर रहें और डिसबैलेंस ना हो। इस तरह हमें सभी 6 आर्म्स चेक करनी है। इसके बाद हम सारे प्रोपेलर्स ओपन करके देखेंगे कि सभी अपनी दिशा में बिल्कुल ठीक हैं। उनके ऊपर मार्किंग बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्लॉकवाइज मोटर है और उसके साथ ये क्लॉकवाइज प्रोपेलर लगे हैं। दोनों पर मार्किंग बनी हुई है और साथ में ही काउंटर क्लॉकवाइज है। और ये देखिए सभी 6 मोटर्स पर काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मार्क बना हुआ है। इसको सुनिश्चित कर लें कि सब पर जो मोटर लगी उसके साथ ही प्रोपेलर लगा हुआ हो। अब हम ढक्कन खोलकर इसमें पानी डालेंगे। हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी फर्स्ट लेवल का फिल्टर लगा हुआ है। हमने एक बीकर में पानी भरा है, इससे हम टैंक में पानी भरेंगे और ये चेक करेंगे कि इसके नीचे पंप या जॉइंट वाले पार्ट में कोई लीकेज नहीं है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं टैंक में किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लीकेज होने से केमिकल की जो एफिकेसी हमने प्लान की है वो चेंज हो सकती है। इसके बाद हमने इसमें डाईफार्म मोटर लगाया है, वो भी एक जाली का काम करती है। इसमें एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, इससे इन सारे नोजल्स में पानी या केमिकल जाता है। हम एक नोजल भी निकालकर ये देखेंगे। हमारे ड्रोन में किसी भी कंडीशन में केमिकल से चोकिंग नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमने 3 लेवल पर फिल्ट्रेशन लगाया है। अब जो आप ग्रीन कलर का कैप देख रहे हैं इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील की टिप लगी है जो कि फ्लैट पैन नोजल कही जाती है, जो कि 200 माइक्रोन का स्प्रे प्रोड्यूस करती है और ये एंटी ड्रिफ्ट नोजल है और इसका 110 डिग्री का स्वाद होता है जिसे ये कवर करती है और स्टेनलेस स्टील टिप का 120 डिग्री का कवरेज होता है। इसके रखरखाव में बस यही ध्यान रखना है कि काम के बाद इसको साफ पानी से धो देना है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें हमने 220 माइक्रोन का फ्लैट पैन नोजल यूज किया है और इसका टिप स्टेनलेस स्टील का है। इस टिप में हमें 3 मीटर की हाइट पर 3.8 मीटर का प्रॉपर कवरेज मिलता है। ये फ्लैट पैन नोजल 120 डिग्री का एरिया कवर करता है। इसी तरह से अलग अलग तरह के नोजल आते हैं, जैसे कि लो वॉल्यूम में कोर्स, अल्ट्रा कोर्स, होलोकोन नोजल, इलेक्ट्रोस्टैटिक नोजल आदि। सभी तरह के नोजल्स इस ड्रोन में फिट हो सकते हैं, बस हमें उनकी कैप और टिप बदलनी है जो यूनिवर्सल टाइप की है और इसमें सारे नोजल्स फिट हो जाएंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्लान को रीसाइज कर रहे हैं। ये किसानों की सुविधा के लिए बनाया है। इसको टेस्ट स्क्रीन पर देखकर आप इसके पैरामीटर चेक कर सकते हैं, जैसे कि दो लाइनों के बीच का गैप, किस हाइट पे फ्लाई करना है, किस दिशा में फ्लाई करना है, एंगल ऑफ मोशन क्या रखना है, किस स्पीड पर रखना है, ये सब आप फ्लाई करने से पहले चेक कर सकते हैं। अभी हम 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फ्लाई करेंगे, 3 मीटर की हाइट रखेंगे और दो लाइन के बीच हम 4 मीटर का गैप रखेंगे। इससे क्रॉप पर यूनिफॉर्म स्प्रे होता है। अब हम यहां पर कमांड दे रहे हैं, जो अब ड्रोन के ऊपर ट्रांसफर हो गई है और ये ड्रोन की मेमोरी में चली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन के वेव पॉइंट्स बन गए हैं, यानी कि इन सारी जगहों पर ये ड्रोन एक के बाद एक फ्लाई करके और अपने आप जिस जगह से इसने उड़ान भरी थी, ये ठीक वहीं आकर लैंड कर जाएगा। आइए अब देखें कि ड्रोन द्वारा स्प्रे के लिए रसायन अथवा कीटनाशक मिलाने के लिए क्या करें। रसायन मिलाना। रसायन या कीटनाशकों से खुद को संपर्क से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट पहने। ड्रोन में रसायन डालने से पहले सुरक्षा दिशा निर्देश के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ें। साथ ही ये भी पक्का कर लें कि केवल केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित कीटनाशकों का ही प्रयोग हो और मात्रा का प्रयोग अनुमोदित सीमा के भीतर ही करते हुए इसे अलग से एक साफ बाल्टी में अच्छी तरह से घोलें। इस मिश्रण को अब सावधानी से ड्रोन में डालें और ढक्कन बंद करें। आपका ड्रोन अब स्प्रे के लिए तैयार है। अब हम इसे पूर्व निर्धारित रूट पर सुनियोजित ऊंचाई और क्षेत्र में उड़ा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ड्रोन एक समान रूप से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्रे कर रहा है और कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। स्प्रे करने के बाद ड्रोन अपनी उसी जगह पर वापस आ जाएगा जहां से इसने उड़ान भरी थी। इसे रिटर्न टू होम कहते हैं। आइए अब जानते हैं ड्रोन उड़ाने के बाद रख रखाव की आवश्यक बातें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ड्रोन लैंड हो चुका है और इसने छिड़काव का पूरा काम कर लिया है। अब हम इसमें साफ पानी डालेंगे ताकि इसके टैंक को पूरा साफ कर सकें। इससे इसके ट्यूब्स में, पाइप्स में या नोजल्स में कहीं कोई केमिकल रुक गया होगा तो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अलग अलग केमिकल्स के हिसाब से आपको ये प्रोसेस 2 से 3 बार करनी है। ये आपको तब करना है जब आपका काम पूरा समाप्त हो जाए या अगर आप केमिकल्स चेंज कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा, पानी पूरा निकल चुका है। अब हम इसको पावर से डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके बाद इसके आर्म्स और प्रोपेलर्स चेक करेंगे कि कहीं कोई टूट फूट ना हुई हो। दोनों दिशाओं में घुमाकर देखेंगे कि जॉइंट्स में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमने ड्रोन की आर्म्स को फोल्ड कर दिया है। इसमें से हमने केमिकल निकाल दिया है, पावर कनेक्शन हटा दिया है, हमने फर्स्ट लेवल पर देख लिया है कि सारे मैकेनिकल कनेक्शन ठीक हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसकी बैटरी निकाल दी है और अब हम बैटरी को एक बार चेक करेंगे। फ्लाइंग के दौरान ये कहीं से फूली ना हो, इसके स्ट्रैप्स भी ठीक से लगे हों और हर तरह से सही हों। एक बात का ध्यान रखें कि हर 10 घंटे या 50 फ्लाइट के बाद ड्रोन का पूरा रखरखाव ध्यान से करें। मोटर, आर्म्स, जॉइंट्स, प्रोपेलर्स और जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब का ध्यान रखें कि कहीं पर किसी भी तरह का कोई क्रैक ना हुआ हो। इसके दोनों एंटीना चेक करें, दोनों ठीक से लगे हों। ऑपरेशन के दौरान मोटर में किसी भी तरह की कोई आवाज आने पर या मोटर फ्रीली न घूम रही हो तो ड्रोन निर्माता से बात करें। खेत में खाली डिब्बे कभी न छोड़ें। कीटनाशक नियम के अनुसार इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। काम खत्म होने के बाद नहा धोकर स्वच्छ होकर साफ कपड़े पहन लें। ड्रोन निर्माताओं द्वारा निर्धारित रखरखाव अनुसूची का पालन करें। स्प्रे मॉनिटरिंग फॉर्म और डेटा सबमिशन। स्प्रे ऑपरेशन के बाद किसान ड्रोन ऑपरेटर द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने के लिए विधिवत तरीके से एक डेटा मॉनिटरिंग फॉर्म भरा जाएगा, जो यहां दर्शाया गया है। अब आप ड्रोन तकनीक के फायदे, इसे इस्तेमाल करने के तरीके, इससे जुड़ी सावधानियां और इसके रखरखाव के तरीके जान चुके हैं। आइए अब मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग करने के लिए
ड्रोन का उपयोग करने के बारे में जानें। कृषि में मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग और इमेजिंग का प्राथमिक लक्ष्य। पहला, लक्षणों के प्रकट होने से पहले पौधों के स्वास्थ्य में सूक्ष्म भिन्नता का पता लगाना। दूसरा, पौधों की वृद्धि और घनत्व का अंदाजा लगाना ताकि इसका उपयोग पौधों को दोबारा लगाने, छटाई, उपज के अनुमान, रोग, नमी की कमी आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सके। तीसरा, उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी छवियों के उपयोग से फसलों की उर्वरता स्थिति निर्धारित करना। चौथा, खड़ी फसल में ओवरडोज से होने वाले नुकसान से बचना। इसीलिए ड्रोन आधारित मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर द्वारा कैप्चर किया गया डेटा जानकारी प्रदान करके संचालन को अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जो संसाधनों के बेहतर उपयोग और अधिक स्थानीय अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। तो आइए वीडियो में हम जानते हैं कि मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग में क्या और कैसे करें, जिससे खेती किसानी में मदद मिल सकती है। अब हम सीखेंगे। पहला, फार्म मैपिंग करने के लिए ड्रोन तैयार करना। दूसरा, फसल की सर्विलांस और फसल स्वास्थ्य को मॉनिटर यानी जांच के लिए ड्रोन का उपयोग करना। फार्म मैपिंग के लिए सबसे पहले अपेक्षित संचालन के लिए जरूरी छवियां यानी इमेजेस और डेटा को कैप्चर करने के लिए ड्रोन के ऊपर उचित रूप से मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा माउंट करें। अब हम अपने ड्रोन के ऊपर मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा रहे हैं, जिसमें 5 बैंड होते हैं, जिनकी सहायता से हम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैनोपी पर काले रंग का GPS लगा हुआ है, जिसके अंदर सर्किट चेंज करना है और पावर सोर्स के लिए कनेक्शन देना है। हमने कैमरा को ड्रोन पर माउंट कर दिया है, उसके कनेक्शन लगा दिए हैं। अब हम इसका मेमोरी कार्ड डालेंगे। इसके बाद हम मैप बनाएंगे और हम फ्लाई करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैमरा प्रॉपर वे में टाइट हो चुका है, ताकि जब हम इसके इमेजेस ले रहे हों तब कोई दिक्कत ना आए। अब हम रूट प्लान निर्धारित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। मैपिंग के दौरान ध्यान देने वाली बातें। पहला, मैपिंग के समय दवा का छिड़काव नहीं करें। दूसरा, ड्रोन की ऊंचाई और गति पहले ही सुनिश्चित करें और ड्रोन फ्लाइट के दौरान न बदलें, क्योंकि उसकी वजह से पूरा डेटा गलत हो सकता है। फसल स्वास्थ्य को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त सेंसर के साथ ड्रोन के उपयोग। क्षेत्र का 3D विश्लेषण और मिट्टी की संरचना और स्वास्थ्य इंडिकेटर प्राप्त करना। बुआई या रोपाई से पहले मिट्टी की उर्वरता के आंकड़ों को जानने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करना। पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से डेटा को लाइव प्रोसेस करने के लिए रियल टाइम ऑपरेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करना। नमी की कमी को मल्टी स्पेक्ट्रल इंडेक्स का उपयोग करके पहचानना। कृषि बीमा की सुविधा और किसानों के बीमा दावों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ड्रोन की फसल निगरानी और फसल स्वास्थ्य के मूल्यांकन के फीचर्स का उपयोग करना। डेटा विश्लेषण। हमने मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे से जो इमेजेस क्लिक की हैं, इनको हम अलग अलग बैंड्स पर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, NIR और रेड H की इमेजेस हैं। हर लोकेशन की 5-5 इमेजेस आती हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर एक इमेज की अलग अलग इंटेंसिटी है और इनको अभी हम मैच करके मर्ज करेंगे और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि कहां पर किस तरह की क्रॉप का बिहेवियर है और उसमें क्या कोई स्ट्रेस आया है या फिर उसमें कहीं पानी की कमी हो गई है। कैलिब्रेशन के द्वारा हमने इस डेटा को प्रोसेस कर लिया है। अब हम देखेंगे, हमने यहां पर NDVI बैंड को ऑन किया हुआ है। यहां पर ये अलग अलग बैंड हैं और ये किस बैंड में किस तरह का बिहेव कर रहा है ये देख सकते हैं। यहां पर NDVI बैंड में फाइनल आउटपुट है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉप में कुछ डैमेज हो गया है। यहां पर जो आप हरियाली देख रहे हैं ये अच्छी फसल है और यहां पर जो ये पीला हिस्सा देख रहे हैं इसमें क्रॉप में थोड़ा स्ट्रेस है। इस तरह इसमें 300 से ज्यादा फॉर्मूले हैं, जिनको यूज करके आप क्रॉप की हेल्थ को चेक कर सकते हैं। अब आप ड्रोन तकनीक के फायदे, इसे इस्तेमाल करने के तरीके, इससे जुड़ी सावधानियां और इसके रखरखाव के तरीके जान चुके हैं। उम्मीद है कि आप मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग के लिए ड्रोन के फायदों और इसे प्रयोग करने के बारे में भी जान गए होंगे।
और इसका उपयोग करेंगे। ड्रोन तकनीक के प्रयोग से प्रशिक्षित किसान ड्रोन ऑपरेटर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं और सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही खेती किसानी में समय की बचत कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ड्रोन ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके किसान के धन, संसाधन, श्रम की बचत कर पाएंगे और एक सफल उद्यमी बनकर उभरेंगे।